आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग, और यह हमारी सबसे पहली क्लास है वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की। तो थोड़ी सी हम थोड़ी सी थ्योरिकल पार्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, पता है आमिर साहब, मुझे पता है, मुझे पता है कि आपको पहले से एक्सेल आता है, ये आता है, क्या बोलते हैं, वीवीए आता है, लेकिन फिर भी उसकी थ्योरिकल पार्ट क्योंकि आपने सीखा हुआ है, गूगल करके सीखा हुआ है। थ्योरी पार्ट को समझिए। सबसे पहले जानिए जो हमारा वीवीए है क्या। तो पहले चीज को जान लीजिए, वीवीए है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ये कोई VB.NET वाली चीजें देखिए, तो इसके मदद से आप कोई सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। ये आपको क्या करता है, एक्सेल के अंदर में कुछ नया चीज को डेवलप करने की परमिशन देता है, जैसे कि माइक्रो, यूजर फॉर्म, फंक्शन वगैरह वगैरह। मतलब जो भी आप करेंगे वो आपका एक्सेल में या एमएस ऑफिस में रन होगा, क्योंकि वीवीए सिर्फ एक्सेल को ही नहीं, एमएस पूरी एमएस ऑफिस को सपोर्ट करती है। तो वीवीए VB6 VB.NET ये सिर्फ डिफरेंस है, और इसको करने कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। वो इसका जो एडिटर है, वो एडिटर आपके सिस्टम भी डेवलपर टैब में होता है, और डेवलपर टैब अगर नहीं है तो लाने के लिए फाइल में जाए, ऑप्शन पे जाए, रिबन में आपको यहाँ मिल जाएगा डेवलपर टैब। डेवलपर टैब बराबर डायरेक्टिव होता है। ठीक है, समझ में आ गया वीवी क्या है। तो वीवी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन इसके मदद से हम कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे, हम एक्सेल को कस्टमाइज करेंगे। और ये VB6 और VB.NET से इसका रिलेशन कुछ नहीं, लेकिन लैंग्वेज जो है उसी से मिलता जुलता है। ओके, राइट। दूसरी चीज इसके लिए कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं होती। एक्सेल के साथ इनबिल्ट होता है। अगर आपको डेवलपर नहीं भी मिलता है तो विजुअल बेसिक आपको अल्ट प्लस एफ लेवल से आ जाएगा। जी पता है, वो शॉर्टकट। मुझे पता है कि तो मैं तो पूरा स्टेबल से लेके चलूंगा सर। नहीं नहीं सर, आप बराबर चल दो, मैं सिर्फ ऐसे हाँ में हाँ मिलाऊंगा जो पता है। तो हम वीवीए से बुलाएंगे क्या, मतलब वीवीए एक फैक्ट्री है, इसका okay. क्या होगा, इसका पहला प्रोडक्ट होगा मैक्रो। पहला प्रोडक्ट होगा मैक्रो। तो मैक्रो क्या है, देखिए इसको हम कह सकते हैं एक ऑटो पायलट। जैसे कि आपके पास एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को बनाने में आपको 1.5 घंटे का टाइम लगता है। बनाने के लिए 50 स्टेप को आप फॉलो करते हो, तो आपने उन 50 स्टेप को वीवीए के जरिए एक मैक्रोज में लिख दी। तो नेक्स्ट क्या होगा, बस आपको इस मैक्रो को करना है, वो 50 को खुद ब खुद फॉलो करेगा, और आपका जो 1.5 घंटे का काम था उसको कर देगा विद इन सेकेंड या विद इन मिनट। ओके, तो इसके लिए हम इसके लिए मैक्रो सब कर सकते हैं। तो मैक्रो में यूज होता है रिपोर्ट ऑटोमेशन, या फिर कुछ ऐसे छोटे छोटे काम आते हैं जो कि काफी लेंथी होते हैं, करने में काफी टाइम लगता है, तो उसको आप लोग मैक्रो के जरिए क्विकली वर्क कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 500 फाइल की 500 लोगों की पीडीएफ फाइल बनानी है, जैसे कि सैलरी स्लिप। क्या सर, आईसी, या आपको 1000 लोगों को मेल करना है, तो इन सब चीजों का काम हम मैक्रो के जरिए करते हैं। मैक्रो के बाद दूसरा पार्ट आता है फंक्शन का। फंक्शन okay. फंक्शन मतलब कि जैसे वी लुकअप एच लुकअप फॉर्मूले होते हैं, तो ये तो इनवर्सन फॉर्मूले है, हर एक्सेल फाइल में बने। आप चाहो अपने लिए इस फाइल के लिए या अपने लिए खुद की फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हो, या फिर ऑलरेडी जैसे वी लुकअप का फॉर्मूला है, तो वी लुकअप में क्या है कि वो डुप्लीकेशन को फाइंड नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि राम दो बार है, तो पहले राम को वो शो करेगा, दूसरे को शो नहीं करेगा। तो ऐसे फीचर्स आप VLOOKUP के अंदर एक नया फॉर्मूला लाए डाले, और VLOOKUP की जैसा ही काम करेगा, लेकिन VLOOKUP इस कमी को दूर कर देगा, तो दोनों रिजल्ट कॉम्बा करके ला के दे देगा। तो ऐसे
तो फंक्शन का यूज सिर्फ हम एक्सेल में ही नहीं, हम मैक्रोस के लिए भी करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक कैलकुलेशन है और एक ऑटोमेशन में आपको उस कैलकुलेशन को 20 जगह इस्तेमाल करना है, तो उस कैलकुलेशन की जो कोडिंग है वो आप 10 लाइन की कोडिंग है, तो आपको 20 जगह 10 लाइन की कोड कॉपी पेस्ट या लिखना पड़ेगा। हम उसको फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं और बाकी 20 जगहों पर उसको कॉल करते हैं। जैसे कि आप डिफाइंड नेम में फॉरवर्ड करते थे ना, यहाँ पर रेफरेंस को भी कैलकुलेशन को डिफाइंड नेम पे डाल देते हैं, जहां जरूरत है वहां उसको यूज कर लेते हैं। तीसरा आता है यहाँ पे यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म जो कि हमारा होता है इंटरफेस, आप पॉपअप अपना बनाना चाहते हैं, जैसे इस तरह के पॉपअप आपके सामने दिख रहा है, पॉपअप बनाना चाहते हैं। तो अब बात आती है कि आखिर इसका पॉपअप क्यों जरूरत होगी। जैसे कि आपने पिवट टेबल किया, तो मान लीजिए पिवट टेबल के जैसा ही आपने एक मैक्रो बनाया जो पिवट टेबल लगाता है, तो प्रॉब्लम ये है कि अब आपको कई सारे मैक्रो बनाने, मतलब कि पिवट टेबल विद टेबल नेम, पिवट टेबल विद एक्सटर्नल डेटा, पिवट टेबल विद टेबल नेम विद न्यू शीट, टेबल विथ टेबल रेंज विथ एक्सेल शीट, कैसे आपको बनाना पड़ेगा ना सर आपको बराबर। तो हम यहाँ पे इंटरफेस डिजाइन हो गया, यूजर अपना चॉइसेस सेलेक्ट करेगा, ओके करेगा, ओके बटन के ऊपर कोड डाला होगा कि चॉइसेस के अकॉर्डिंग पिवट टेबल लगा, बराबर, इजी हो गया, राइट। तो इस तरह की जो पॉपअप है, इस तरह के पॉपअप की इंटरफेस आप तैयार करोगे यूजर फॉर्म से। तो मैक्रोस आपका ऑटोमेशन के लिए हो गया, फंक्शन आपकी कैलकुलेशन के लिए हो गया, यूजर फेस आपका इंटरफेस के लिए, इंटरफेस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डीबीए प्रोड्यूस द मैक्रोस फंक्शन यूजर फॉर्म, मैक्रो इज द ऑटोमेशन, मैक्रो फॉर द ऑटोमेशन, फंक्शन फॉर द कैलकुलेशन एंड यूजर फॉर द इंटरफेस। क्लियर है जी? क्लियर है सर। अब अगला टॉपिक हमारा आता है कि When use the macro and why use the macro? Okay. इस्तेमाल हम कब करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं कि कब करेंगे और फिर बात करेंगे क्यों करेंगे। कि हम macro का इस्तेमाल तभी करते हैं जब कोई काम हमको बार बार रिपीट करनी है, या कुछ काम इसको करने के लिए घंटों लग रहा है लेकिन macro से इजीली हो जाए। तो कब करते समझ में आ गया? अब हर चीज के लिए हम मैक्रो नहीं बनाएंगे। जैसे मान लीजिए छोटा सा आपको एक काम आया है, इन फ्यूचर में पता नहीं कब आएगा या नहीं आएगा, और उसको आप पिवट टेबल के जरिए या किसी और टूल्स के जरिए 2-4 मिनट में बना लोगे, तो उसके लिए काम लिखना तो बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरी चीज, हम मैक्रो क्यों यूज करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं दो चीजों के लिए, ऑटोमेशन एंड एक्यूरेसी। ओके, मैं इसका इस मैक्रो को सीखा ही था एक्यूरेसी के लिए। ओके, अपने करियर की शुरुआत की थी जीआई ग्रुप सिक्योरिटी कंपनी में। ओके, यहाँ पे मैं गार्ड्स वगैरह जो ज्वाइन करते थे उनकी फाइल्स को डेटा एंट्री करता था। अब एक छोटी सी दिक्कत यहाँ पर आई कि हैंडराइटिंग पढ़ने नहीं आता था, हैंडराइटिंग अब वो पढ़ने नहीं आता था, पर हैंडराइटिंग पढ़ने में दिक्कत था, मतलब कि भाई दिक्कत हो जाता था। तो अब गार्ड हर किसी का हैंडराइटिंग अलग अलग था, तो हमने बहुत से बोला और उन सबों को मुझे एक एम्प्लॉय एक्सचेंज डेटा में एंट्री करना होता, तो उनसे करेक्टली फॉर्म भरवाना, उनकी डॉक्यूमेंटेशन को चेक करना, फिर उसकी एंट्री करना। मेरा यही प्रोफाइल था, दिन भर में 30 गार्ड्स आते थे और मैं सुबह 7 बजे 8 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक लगा रहता था, तब जाके 20 या 25 गार्ड की ज्वाइनिंग करा पाता था, उसका डेटा को सही नहीं होता, क्योंकि एक गार्ड में ज्वाइनिंग करने में तेरे पास 20 से 30 फॉर्म भरने होते थे, 5 से 7 फॉर्म बनने होते हैं, जहाँ पे 20 से 30 मिनट तक कि आधा से 1 घंटा उनको लग जाता था, चेक करना बहुत टाइम था। तो हम बॉस से बोला कि बॉस ऐसे नहीं चलेगा, मैं इस तरह से गधों जैसी वर्क नहीं कर सकता,
तो बोला तब तब क्या करोगे, लेकिन मैं कुछ डिजाइन करना चाहता हूँ, मुझे परमिशन दीजिए। बोला ठीक है डिजाइन कर। मैं पूरी रात जागा, उस समय तो गूगल बहुत कम थे, गूगल बाबा बहुत कम थे, बुक्स वगैरह और BV6 की बुक्स और VV के बुक्स वगैरह मेरे पास थे, उन सबों की मैंने बनाया। मैंने क्या बनाया, मैंने क्या किया, सारे फॉर्म्स को एक्सेल पे बना दिया ओके और हमने उनकी एंट्री जो है, जैसे कि 7-8 फॉर्म थे, तो सब पे इंफॉर्मेशन तो सेम ही डल रहा था ना, नेम एड्रेस फादर नेम डेट ऑफ बर्थ एजुकेशन वगैरह वगैरह, बस हर किसी का पैटर्न अलग अलग था। का फॉर्म भरे, ESI का फॉर्म भरे, पैन कार्ड का फॉर्म भरे, किसी चीज का फॉर्म भरे, तो इन्फॉर्मेशन तो सेम ही होती है ना। तो बराबर सारे फॉर्म को भरने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन से हमने एक एक्सेल शीट पे डाल दी और सातों ओके हमने उससे लिंक कर दिया, राइट। ओके और राइट सबमिट बटन पे हम बनाया, क्लिक करते ही हमारा एम्प्लॉय एक्सचेंज वाली फाइल में टाइप हो जाता, चला जाता ओके एक के नीचे एक फॉर्म की तरह से। तो हमने बॉस को दिखाया, बॉस को बोला कि आप कुछ नहीं करना है, आपको एक प्रिंटर लगाना है, कॉन्फ्रेंस रूम में एक सिस्टम रखना है, हम गार्ड्स को बुलाएंगे, कीबोर्ड पकड़ाएंगे, बोलेंगे कि भाई आपकी जो भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप टाइप ओके करो। और टाइप करने के बाद आप वेरीफाई कर लो कि आपने इंफॉर्मेशन करेक्ट डाली है या नहीं डाली है। तो सही करेंगे, जैसे मैं ओके करूंगा, इन सबों का सातों फॉर्म का प्रिंट निकल जाएगा, और प्रिंट निकलने के बाद फिर उस पर फोटो चिपकाएंगे और उनका सिग्नेचर लेंगे, और जब तक तो वो टाइप करेंगे तब तक तो मैं उनका डॉक्यूमेंट भी चेक कर लूंगा एज पर योर इन्फॉर्मेशन। तो इस गार्ड को 25 से 30 मिनट लगते थे, उस गार्ड को 5 मिनट भी नहीं लगते थे, और साथ साथ मेरा डेटा भी स्टोर होता जा रहा है, और आपने डेटा एंट्री भी करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी चीज राइट के रेट में गार्ड का जब चेक चेक मिलता था, सैलरी मिलती थी, अब उसपे गलत पहले होता था तो चिल्लाते थे उसपे, और उनकी फॉर्म जो फाइल थी वो फाइल को ढूंढ के निकालो, फिर देखो उस पे नाम क्या डाला हुआ है, फिर उस नाम की स्पेलिंग को करेक्ट करो, क्या दिक्कत हो जाती थी। अब कोई ऐसा बात, कोई कल के डेट पे कोई गार्ड बोलता है कि मेरा नाम गलत है, तो मैं बोलता हूँ कि आपने डाला है, आप गलत बोलोगे तो गलत ही होगा ना। तो बॉस ने बोला कि दिस बहुत अच्छी चीज है, इसको प्रोसेस करो। तो मेरा काम तो गधों वाला था, जो सुबह 7 से लेकर रात के 10 बजे तक मेरे मुझे चैन नहीं मिलता था, 9 साढ़े 9 10 बजे जाता था ऑफिस से निकलते निकलते। उस काम को मैं दोपहर के 12 से 1 बजे तक फिनिश करके आराम से कुर्सी, दो कुर्सी लगा के और टांग पर टांग रख के आराम से बैठता था, और बॉस बोलता नहीं था, वो बॉस बॉस बोलते थे दूसरा काम करो, अब बोलते थे प्रोफाइल हमारा जो काम वही काम करेंगे ना। अब मेरे बराबर मैं जब नहीं था तो इसी काम को करने के लिए सर्जरी थी, आप हेल्प करते देखे तो मैं लेट हो रहा है उसको मदद करते, और अब मेरी टैलेंट है उस काम को मैं जल्दी कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि आप मुझे और काम तो नहीं देंगे। बराबर बहुत समझ गए कि नहीं, और हमने बोला कि ये फाइल ट्रायल बेसिस पे है, इस फाइल प्रोटेक्टेड है, जब तक मैं इसको नहीं कर रहा हूँ तब तक प्रोटेक्टेड रहेगा। तो बहुत समझते थे चला गया तो पासपोर्ट नहीं देगा, पासपोर्ट नहीं देगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो बराबर हमने ऑटोमेशन के लिए स्टार्ट किया। तो ये स्टोरी कहने का मतलब ये है कि हम जब मैक में यूज करेंगे तो हम इस चीज का जरूर एक प्रॉफिट और लॉस देखेंगे, टाइम का एंड एक्यूरेसी, राइट दो चीजों का देखना जरूरी है कि आप जो वीवीए प्रोग्रामिंग की मदद से जो काम कर रहे हो उसमें टाइम कितना बच रहा है, और आपके रिपोर्ट्स की या आपके काम की एक्यूरेसी कितना है, उसके बाद ही आप उसको डन करें। अब बात आती है कि प्रोग्रामिंग हम करें किसके लिए। अब एक चीज ध्यान में, आपके जैसे आपके पास डेवलपर टैब है, इसके सिक्योरिटी
आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा अनेबल ऑल बाय फोर, लेकिन आपके सिस्टम भी किसी और के सिस्टम में देखेंगे बाय डिफॉल्ट डिसेबल ऑल बाय फोर विद नोटिफिकेशन होता है। ओके, अब इससे क्या प्रॉब्लम होती है, ध्यान दीजिए। अब इससे एक प्रॉब्लम ये होती है अभी से, एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने किसी को बुला के भेजा, अगर उसके सिस्टम पे अगर ये मैक्रो अगर डिसेबल है तो ये आपका ओपन फाइल ओपन तो आपको वर्क नहीं करेगा जब तक कि अनेबल नहीं करेगा। तो जैसे आप किसी फाइल को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे पॉपअप आता है अनेबल मैक्रो, राइट, हाँ बराबर, डिसेबल होता है मैक्रो सिक्योरिटी डिसेबल होता है। क्लियर है, राइट। अब आपने एक रिपोर्ट बनाया, उसको आपने 100 लोगों को भेज दिया पब्लिकली, 100 लोगों को भेज दिया, अब क्या लगता है 100 लोगों को जिसने भेजा सबके सब बीवी पे फैमिलर है? नहीं, 30-40 फैमिलर होंगे, 50-60 बीवी के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, उसमें से 40-50 होंगे कि जिनके पास बीवी की नॉलेज बिल्कुल ही नहीं है, वो देखेंगे भाई इसमें तो सिक्योरिटी वार्निंग है यार, वायरस है, बंद करो फाइल को। बराबर, उनको मेल में समझाना होगा या फोन करके समझाना होगा या फोन करके आपसे पूछेंगे कि तुम्हारी फाइल चल क्यों नहीं रही, बोलोगे यार सिक्योरिटी को अनेबल कर लो, राइट, ये तो सरदर्दी होगी ना सर। बराबर सर, सबको समझाना पड़ेगा। तो जब तक आपको पूरी तरह से जरूरत ना हो तब तक ऐसे फाइल में वीवीए का इस्तेमाल ना करें जो फाइल पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ओके, समझे, समझा समझा, पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है ऐसे फाइलों पे आप वीवीए ना करें, अगर यूज करते हैं जो प्रॉब्लम मैंने बताया उस प्रॉब्लम आने की चांस है, क्योंकि मैं okay. चुका हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जी समझा सर, जो आप अपने लिए यूज कर रहे हो या फिर आप जानते हो कि हाँ ये बंदे बीवी भी वन से एक्सपर्ट है तो आप उसको आराम से यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके, गॉट इट, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। अब चलिए, अब देखिए डेवलपर टाइम में, अब देखिए माइक्रो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज की प्रिपरेशन करनी हो, पहले माइक्रो सिक्योरिटी चेक करो अनेबल है कि नहीं। ओके, जिस फाइल के ऊपर आप करने जा रहे हो प्रोग्रामिंग उस फाइल को सेव या सेव एज करो किसमें, माइक्रो अनेबल वर्कबुक। देखिए डिफॉल्ट में क्या होता है, एक्सेल वर्कबुक, तो गलती से भी आप इस फॉर्मेट में अपनी माइक्रो को सेव कर दिए आपका माइक्रो लॉस्ट हो जाए, क्योंकि ये माइक्रो माइक्रो कंटेंट को कैरी नहीं करता है, नहीं करता है, बराबर। ओके, तो राइट, अगर आपको बराबर माइक्रो पे ही काम करना है तो एक्सेल ऑप्शन पे जाएंगे, सेव पे जाएंगे और यहां से डिफॉल्ट सेट कर देंगे। ओके, ओके, इसमें आगे बढ़ते हैं। लेकिन सर एक क्वेश्चन है, ये आप बोले कि डिफॉल्ट सेट करना है, तो ये तो मतलब मैं जब भी ओपन करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट मैक्रो फॉर्मेट में ही यूज होगा। हाँ, लेकिन मेरे पास अगर एक्सेल फाइल है, नॉर्मल फाइल को भी अगर आप एक्सेल फॉर्मेट में यूज करते हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है सर, आगे बढ़े, आगे, ठीक है सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरे पास आता है कि हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम करेंगे विजुअल बेसिक, इसका सिंबल होता है अल्ट एफ 10, हम लिखेंगे कहाँ। अब ये एक एक यहाँ पे भी आता है कि हम कोड को लिखेंगे कहाँ, जितने आप जैसे फाइल खोलेंगे तो आपके ओपन वर्कबुक का लिस्ट यहाँ पे लिखेगा, जितने भी शीट से उस शीट का लिस्ट लिखेगा,
तो ए आपका होता है प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज, ए होता है आप प्रोजेक्ट होता है एक्सप्लोर, ए होता है प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज और ए आपका कोड एरिया। ठीक है, तो मैं सी टू वन पे डबल क्लिक करके लिख सकता हूँ, सोर्स ट्यूब पे लिख सकता हूँ, लेकिन हम इन सबों पे नॉर्मल कोड नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमने माइक्रो सी टू के ऊपर डबल क्लिक करके माइक्रो बनाया, तो हमारी जो माइक्रो है वो सी टू के प्रॉपर्टी होगी। अगर किसी ने शीट टी को डिलीट कर दिया, शीट टू को डिलीट कर दिया, तो क्या होगा? वो मैक्रो भी डिलीट हो जाएगा। मैक्रो भी डिलीट हो जाएगा। ओके। इसलिए हम कहा करते हैं मॉड्यूल्स में। मॉड्यूल्स कहाँ से मिलता है? सर्ट एंड मॉड्यूल। तो मॉड्यूल जो है वो कहाँ सेव करता है? तो सेव करता है फाइल की प्रॉपर्टी। ओके। ठीक है, क्योंकि फाइल ओके और मॉड्यूल्स को डिलीट करने के लिए वीवीए कोड का एक्सेस चाहिए। ओके तो माइक्रो लिखेंगे कैसे? तो उसका होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट माइक्रो नेम जो देना चाहते सब टीटी कर दिया, ब्रैकेट ओपन हुआ। ही जो माइक्रो लिख रहा है लाइन ऑफ कोड हम वही लिखेंगे और ट्रिगर करने के लिए बाहर माइक्रो पे यहां से रखते हैं। ओके ठीक है, ध्यान रखिएगा हमें माइक्रो लिखने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए होगा। ओके अब प्रोग्रामिंग करेंगे। देखिए चार मेन ऑब्जेक्ट होता है। अब इसको मैं लैंग्वेज के साथ जोड़ता हूं जो आप इंग्लिश सीखा था। सबसे पहले क्या सीखा था? पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस होता क्या है? क्या जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, ऐसे यहाँ पे होते हैं ऑब्जेक्ट। तो आपके प्रोग्राम इन चार ऑब्जेक्ट के अंदर ही होती है। जैसे आपको अगर कोई फाइल क्रिएट करना है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट से हम शुरू करेंगे। अगर आपको सीट को करना है तो सीट ऑब्जेक्ट से करेंगे। अगर आपको एरिया करना है तो रेंज ऑब्जेक्ट से करेंगे। तो आपकी कोड इन चारों से ही स्टार्ट होता है या फिर इन चारों के अल्टरनेटिव से स्टार्ट होता है, इसके बारे में हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। तो मेन क्या है? एप्लीकेशन वर्कबुक शीट अरेंज। तो एप्लीकेशन मतलब कि एप्लीकेशन की कोई सेटिंग चेंज करना है तो एप्लीकेशन के साथ चलते हैं। अगर वर्कबुक को कुछ करना है तो वर्कबुक के साथ, अगर सीट के साथ करना है तो सीट के साथ, और रेंज के साथ करना है, रेंज मतलब कि A1, B1, C1, तो इसके साथ। इन सबों को पढ़ने से पहले कुछ चीजें जाननी होगी, जैसे कि आपका रिकॉर्डिंग माइक्रो। उसके बाद आपको एल्गोरिदम को समझना होगा, रिकॉर्डिंग माइक्रो में एडिट करके उसका इस्तेमाल कैसे करें, लर्निंग में कैसे सपोर्ट होता है, उन सबों के बारे में पहले हम पढ़ाएंगे। फिर पढ़ाएंगे टाइप माइक्रो की, माइक्रो कितने तरह के होते हैं और किस टाइप के माइक्रो कब यूज करें। ओके तो दो या तीन क्लास हम लेने के बाद फिर पहुंचेंगे अपने इस कोड कंसेप्ट। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है सर। सब आर आर क्यों लिया? ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ माइक्रो। जब टाइप ऑफ माइक्रो पढ़ोगे तो इसके बारे में। ओके लेकिन उससे पहले एक आर्टिकल आपको पढ़ना होगा। ये आर्टिकल मेरी है, ये आर्टिकल किसी और का है, लेकिन बहुत अच्छा आर्टिकल है। ओके मैंने अपने लर्निंग लाइफ में किसी को पढ़ा, इसलिए मैं हर स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ। मिस्टर एक्सेल का है, excel-vva.com दिख रहा होगा स्क्रीन पे। जी सर। इसमें देखिए 33 चैप्टर्स है। ओके इसमें बेसिक माइक्रो के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया और भी इमेज के साथ। ओके तो मैं चाहूंगा कि अभी आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, फिर कल की क्लास डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग माइक्रो और रिकॉर्डिंग माइक्रो की एडिटिंग के बारे में। क्योंकि रिकॉर्डिंग माइक्रो बड़ा चैप्टर नहीं है, इसे शुरुआत में हम कर देते हैं और लर्निंग पर्पज के लिए रिकॉर्डिंग माइक्रो हेल्पफुल होता है, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। जी ठीक है, ठीक है सर, इसको कीजिए। आप कल हम आपके साथ मिलेंगे।